महाज्ञानी महाविद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज हम बात करने वाले हैं। इनकी अगर तारीफ करें हम तो पूरा का पूरा दिन साल महीने सब कुछ कम पड़ जाए। बहुत विद्वान थे ये। भारत की लेगेसी को, भारत के कल्चर को इन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। दुनिया में सारे टीचर्स, भारत के सारे टीचर्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। इन्होंने बताया पढ़ाते कैसे हैं, किस तरह का व्यवहार जो है स्टूडेंट्स के साथ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी को ज़्यादा उस पर तवज्जो दी कि सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत के कामों को सबसे ऊपर रखो, बाकी सब साइड में रखो। एक फिलोसोफर, एक राइटर, स्पिरिचुअल लीडर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 16 बार नोबेल प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया, 11 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया, भारत रत्न इनको मिला था जब भारत रत्न शुरू ही हुआ था। पूरी दुनिया में अपने एजुकेशन, अपने राइटिंग्स और अपने एकेडमिक करियर का पंचम लहराने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमारा शत शत नमन। चरणों इस समय तो है नहीं, वैसे चरणों पे गिरने का इन पे मन करता है। ये एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और जैसा कि मैंने कहा सारे टीचर्स के लिए तो इंस्पिरेशन है, तो हम बात करेंगे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर टीचर्स डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और ये इसीलिए ही मनाया जाता है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इकट्ठा हुआ था और इनका बर्थडे मनाने आया था अपने स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भगवान थे, तो स्टूडेंट्स इनके पास गया और बोला कि सर हम आपका बर्थडे मनाएंगे और आपने हमारे लिए इतना किया है, बदले में कुछ नहीं मांगा, हम तो आपका बर्थडे मना के रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बर्थडे को एज अ टीचर्स डे मनाऊं, ठीक है, सारे टीचर्स को एक ट्रिब्यूट दो। तब से ये टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाने लगा और अभी कुछ दिन पहले ही बीता है। आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त इनकी बायोग्राफी लेके नहीं आ पाया। तो चलिए हम बात करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ मेरे फेसबुक पेज sid_eConnect या मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। यूपीएससी की पूरी बुक लिस्ट, आपको क्या क्या बुक्स पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, मैंने दोनों जगह अपडेट कर दिया है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप यहां मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खजाना लाए हैं हम 22,500 रुपए में यूपीएससी का प्री प्लस मेंस कॉम्प्रिहेंसिव पेन ड्राइव कोर्स। बाहर जाके लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करिए। और एक और अनाउंसमेंट, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी हम पेन ड्राइव कोर्स लेके आ गए हैं। तो जिनका ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि इनकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो पीएचडी थी वो फिलॉसफी पे ही हुई थी। कमाल की बात है, इसी पे ही हम जरा चर्चा करेंगे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि फिलॉसफर और साइंटिस्ट एक ही होते हैं। साइंटिस्ट चीजों को बनाता है, फिलॉसफर्स आइडियाज को बनाता है, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी आईक्यू के यूपीएससी ऑप्शनल पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, सारे के सारे कोर्सेज एग्जाम्स के लिए हमने पेन ड्राइव कोर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स किए हैं। नोबेल प्राइज, जैसा कि मैंने बताया था कि नोबेल प्राइज, इस समय मैंने ये प्रण ले लिया है कि अब से मैं राइटिंग बड़ी अच्छी लिखूंगा। काफी घोच पोच हो जाती है पूरी स्लाइड में, तो अब मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो। नोबेल प्राइज इनको मिला, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए थे लिटरेचर के लिए 16 बार ये नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज अगर कोई इंसान लिटरेचर के लिए, अपनी राइटिंग्स के लिए नॉमिनेट हो रहा है, तो आप समझ ही जाइए उसका आईक्यू क्या है। वैसे जरूरी नहीं है, नोबेल प्राइज ये चीज निर्धारित नहीं करता, लेकिन पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इनके आगे झुक गया था, ये बिल्कुल मान के चलिए। हर जगह से इनको ऑफर आते थे कि हमारे आइए, वाइस चांसलर बनिए, यहाँ के प्रिंसिपल बनिए, बहुत ऑफर्स आते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन्होंने सब चीज के बारे में लिखा, जिंदगी कैसे बितानी है, ठीक है, हर चीज के बारे में लिखा। सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं लिखा, अपनी बायोग्राफी इन्होंने कभी नहीं लिखी, अपने चाइल्डहुड के बारे में इन्होंने कभी नहीं लिखा। तो इनके चाइल्डहुड के बारे में हमको ज्यादा जो सोर्सेज है वो नहीं है। सेल्फलेस इंसान थे भैया, तो ये हमेशा ही लोगों के लिए सोचते थे, बस भला करने के लिए सोचते थे। अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर एज अ टीचर्स डे बनाया जाता है। तमिलनाडु तिरुतानी, यहां पे इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण फैमिली थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। अब
इनके जो पिताजी चाहते थे वैसे जहां पे इनका जन्म हुआ था टेम्पल टाउन है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, पूजा होती थी, तो इनका जो पूरा पूरा पालन पोषण हुआ था ना वो एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहां पे हिंदुइज्म पढ़ाया जाता है, जहां पे स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो बहुत ही कम उम्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन इससे एक्सपोज हो गए थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने प्राकृत, पाली, संस्कृत, श्लोक के एकदम ज्ञाता, संस्कृत के एकदम ज्ञाता, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इस डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे और पूरे इसमें निपुण हो गए थे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके पिताजी जो कि सरकारी ऑफिस में थे, उनका नाम था सर्वपल्ली वीरा स्वामी। इनके वैसे इस सरनेम को भी लेके एक बड़ी स्टोरी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अपना जो लेक्चर है वो बायोग्राफी तक ही सीमित रखूंगा। और इनकी माता जी का जो नाम था वो सर्वपल्ली सीता था। तो इनके पिताजी वैसे तो सरकारी ऑफिसर थे, ठीक है, सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल थे, ये अच्छी खासी पोस्ट थी, लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा पंडित बने, प्रीस्ट बने, ठीक है। बहुत ज्यादा नॉलेज थी, शुरू से ही काफी पढ़ते थे, भागवत गीता में बिल्कुल निपुण थे और काफी उनसे इंस्पिरेशन ली थी, ठीक है। आपको पता है कि इनका जो सबसे जो एक करियर को ही जो एकदम अलग दिशा दे दी, 1911 में एक पेपर छपा था भैया, ठीक है, और वो पेपर क्या था, एथिक्स ऑफ भागवत गीता एंड कान। तो ये पेपर ने ये ऐसा इसने धमाल मचाया पूरी दुनिया में कि फिर तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रुके ही नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह का था। और उसके बाद फिर इनकी जो बहुत ही बेहतरीन बुक है, जो शायद मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, मैं बहुत इंस्पायर हुआ, बिल्कुल ये मेरे एक रोल मॉडल हैं, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, कमाल की बुक है ये, आप जरूर पढ़िएगा जब भी आपको टाइम मिले। इसमें उन्होंने गजब तरीके से रिलेट किया है स्पिरिचुअल नॉलेज और आज की दुनिया को, ठीक है। तो ये चीज थी, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो केवी हाई स्कूल तमिलनाडु से ही हुई थी, तिरुतानी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिर 1896 में ये देखिए क्या था, एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनकी शुरुआती जो पूरा का पूरा इनका जो झुकाव था वो हिंदुइज्म की तरफ था, ठीक है, वो काफी मतलब जो मंदिर की चीजें होती थी, भगवान से रिलेटेड चीजें होती थी वो पढ़ते थे, लेकिन स्टिल उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन चुनी। वो कॉन्वेंट स्कूल में थे, ठीक है, और वहीं पे ही उनका जो पूरा पालन पोषण हुआ है, और इसलिए बहुत ही वेल वर्स्ड इन इंग्लिश भी थे वो, ठीक है। तो ये उनकी एजुकेशन थी, और बाद में उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज को बिल्कुल चैलेंज किया और सामने खड़े हो गए। उस समय काफी क्रिटिसिज्म होता था, ठीक है, इसमें भी मैं अभी एक दो तीन मिनट का आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अब क्या है कि उसके बाद राधा कृष्ण जो थे, एस राधा कृष्णन एक बेहतरीन, ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, ठीक है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट थे। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने मास्टर की डिग्री ले ली और इनको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती थी। इसी स्कॉलरशिप्स पहले तो इन्होंने वूरीस कॉलेज जो कि वेलोर में है वहां पे गए, उसके बाद तुरंत ही ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिफ्ट हो गए, भैया मास्टर डिग्री ले ली वहां से, और 1906 में फिलॉसफी, ये फिलॉसफी एज अ डिग्री जो इनके पास थी, फिलॉसफी की डिग्री से ये ग्रेजुएट हुए थे। एक्सेप्शनल स्टूडेंट थे ये, इनके आईक्यू को कोई चैलेंज नहीं करता था, अलग अलग इनके व्यूज रहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, बस पढ़ते ही रहते थे। ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन इनके आइडियाज ने एक क्रांति ला दी थी। ये कांग्रेस के भी लीडर नहीं थे, आपको बहुत लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा कि ये कांग्रेस में नहीं थे, ये कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, नेहरू इनको खोज के लाए थे और नेहरू से इनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे, ठीक है। तो ये चीज थी। जवाहरलाल नेहरू पे भी मैं बायोग्राफी लेके आऊंगा भैया, चिल्ड्रंस डे पे लेके आऊंगा, फिर काफी मिथ्स हैं उनको लेके, जवाहरलाल नेहरू से कुछ गलतियां हुई थी लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन पे भी मैं बायोग्राफी लेके आऊंगा, सब पे मैं बायोग्राफी लेके आया हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे लेके आया हूँ, सुभाष चंद्र बोस पे लेके आया हूँ, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू पे भी जल्द ही लेके आऊंगा, ठीक है। तो राधा कृष्णन जो थे बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट थे। अब यहां पे इनका एम क्या था मैं आपको बताता हूं। जिंदगी भर इनका एम ये रहा है, सिंस ये हिंदुइज्म को बहुत पढ़ते थे, बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, अद्वैत वेदांत, अरे भैया भूल गए क्या अद्वैत वेदांत क्या होता है, आत्मन, एक आत्मन है, उसका ब्रह्मांड में विलय होना निश्चित है, मतलब हमारी आत्मा, हमारी एनर्जी इस ब्रह्मांड यानी कि इस यूनिवर्स में एक दिन जाके मिल जाएगी, ये निश्चित है, और जब तक इसको मोक्ष कहते हैं, ठीक है, और जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हम इस एटर्नल लाइफ एंड बर्थ साइकिल में पड़े रहेंगे।
लाखों लाखों हमको जन्म लेने हैं, और इसी यही हिंदुइज्म बोलता है कि इससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे, बस अच्छे कर्म करते जाओ, लोगों की मदद करते जाओ। ठीक है, तो ये चीज है और ये काफी हद तक सही भी है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं, वैसे इसी से ही रिलेटेड है, कलयुग के बारे में जो आज का समय चल रहा है बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। डेफिनेटली आज के लोगों को जो मॉडर्न फिलोसफी का है उसको समझ में नहीं आएगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो काफी अंग्रेजों को मानते हैं या वेस्टर्न की तरफ पूरा झुक गए हैं वो शायद उनको नहीं, मतलब वो तो काफी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे काफी टेक्स्ट में, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो मार्कंडेय पुराण हो, चाहे वो विष्णु, अलग अलग टेक्स्ट में कलयुग का वर्णन दिया हुआ है। मुझे आश्चर्य ये होता है कि जब मैं वो चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि 5000 साल पहले, 6000 साल पहले कोई एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकता है कि आज जो हमारी दुनिया है वो ऐसी होगी। इसका मतलब भयंकर साइंस था। देखिए साइंस, और ये मैं हर रिलीजन के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्या है कि ये पूरा साइंटिफिक है। सबको पता रहता है कि अगर आप साइंस की भाषा समझाएंगे बिल्कुल उसको दरकिनार कर दिया जाता है। इसको धर्म के माध्यम से समझाओ हर कोई समझेगा, लेकिन इसको बहुत गलत तरीके से यूज किया जाता है। सारे धर्मों को बहुत ही ज्यादा, जो टीचिंग्स है सारे धर्मों की कमाल की हैं, लेकिन लोग पॉलिटिकल एजेंडाज उनके होते हैं उसके लिए बहुत ही गलत तरीके से यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑलवेज स्टडी, ज्ञान को अर्जित करिए। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या करते थे, ब्रिटिशर जब यहां पे आए थे उन्होंने सबसे पहले एक चीज की, हमारे पूरे कल्चर को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आते ही हमको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनके पास पैसे थे, उनके पास ताकत थी, उनके पास कैपिटलाइजेशन था, आते ही हमको बर्बाद करके वो चले गए। क्रिश्चियनिटी में काफी कन्वर्जेंस होने लगे, जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसा कभी नहीं बोला होगा, लेकिन वो आए, काफी कन्वर्जेंस होते थे। अब यहां पे जब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन शायद एकमात्र ऐसे इंसान थे, उस समय की बात बता रहा हूं, जो इस फिलॉसफी के ही अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने इस पूरे हिंदुइज्म को डिफेंड किया अंग्रेजों से। उन्होंने यह बताया कि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और आपको मैं एक और बात बताता हूं, ब्रिटिश में ना अलग ही चल रहा था, भारत में अलग ही चल रहा था। अगर कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश जाता था, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जब ब्रिटिश गए थे ना, एकदम अमेज्ड हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्विसेज उस समय वहीं पे ही देना होता था, मतलब लंदन में जाके, तो वो अमेज्ड हो गए थे। वो बोल रहे थे कि भारत में तो ये सबको मारते हैं, पीटते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब मैं ब्रिटेन में आ रहा हूं, जब मैं यहां पे हूं लंदन में, यहां अलग ही चीज है, इतना फ्रेंडली बिहेवियर, इतना अच्छे से बिहेवियर। तो ये दोगला रवैया था इंग्लैंड का हमेशा, ठीक है, और वो हमेशा से क्रिटिसाइज करते थे। तो यहां पे एस राधाकृष्णन हमेशा अपने पेपर वर्क से, अपनी राइटिंग से डिफेंड करते थे कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए शायद पूरी दुनिया उनके सामने झुक गई, उनके पेपर वर्क की तो कमाल, क्या कहने वो, ठीक है। और फिलॉसफी की जहां तक बात करें तो इनके कजन जो थे वो फिलॉसफी से कोर्स कर रहे थे, राधा कृष्णन ने जब उसको पढ़ना शुरू किया, कमाली था। और राधा कृष्णन के कौन गुरु थे, नन अदर जैन, जो शायद सारे हिंदुस्तानियों के गुरु होंगे, भले उनके बारे में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन जस्ट किडिंग, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। स्वामी विवेकानंद गुरु थे, अद्वैत वेदांत जो डील करता है वो मोक्ष, मेडिटेशन, आपकी आत्मा, ठीक है, द्वैत अद्वैत दो होते हैं, ठीक है, इन सबसे डील करता है, ठीक है। निचोड़ यही है कि आप कर्म अच्छे करिए, है ना। तो स्वामी विवेकानंद को इन्होंने गुरु बनाया और स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स पे ये चलते चले गए। स्वामी विवेकानंद ने कमाल जो टीचिंग्स दी हैं और अपने, क्या कहते हैं कि अपने मन पे इन्होंने पूरी तरह से काबू कर लिया था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, है ना। तो ये इनको इन्होंने गुरु बनाया और फिर एस राधाकृष्णन जो थे वो इस फिलॉसफी के पाथ पे आगे चलते चले गए। उसके बाद फिर इन्होंने एमए डिग्री ली और इसका, इनका जो पेपर था वो छपा, और उसके बाद फिर जब इनका पेपर छपा और 1911 में जब इन्होंने अपना पहला पेपर छापा एथिक्स ऑफ भगवद गीता एंड कांते, तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड जो था वो अमेज्ड हो गया कि भैया ये क्या कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल कह रहे हैं, एकेडमिक करियर स्टार्ट हो गया, ये आगे ही बढ़ते गए। फिर हर जगह से इनको ऑफर आने लगे, बहुत सारी बुक्स लिखी थी इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, अपने लिए लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिखा था, ठीक है।
तो उसके बाद फिर इनको काफी ऑफर्स आए और इनकी जो शादी थी वो 16 साल में ही हो गई थी, उस समय काफी जल्दी हो जाती थी, शिव कामू से शादी हो गई थी, 51 साल तक इनका वैवाहिक जीवन रहा था। उसके बाद 1956 में शिव कामू की डेथ हो गई थी। इनके 5 बच्चियां थी और इनका एक बेटा जो सर्वपल्ली गोपाल है वो भी एक नोटेड पॉलिटिशियन था, ठीक है, सॉरी हिस्टोरियन था। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी पारिवारिक लाइफ भी भैया अच्छी होनी है ना, पारिवारिक लाइफ किसकी अच्छी होगी जो बहुत ही शांत रहता है, शांत रहिए पारिवारिक लाइफ बिल्कुल अच्छी होगी। अरे एक शांत मन तो पूरे समुंदर को कंट्रोल कर सकता है। मैं हिंदुइज्म पे बहुत जल्द लेक्चर लाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वैसे ये एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए, मैंने सोचा है कि मैं इसमें सब कुछ उसमें बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा एक चीज मैं वहीं पे भूल गया था, हाँ, तो एकदम एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है आज के जमाने का, इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई है। अप्रैल 1909 में इनको फिर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज का हेड चुना गया, ठीक है, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एज अ प्रोफेसर ये पढ़ाते थे। उसके बाद फिर 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर शिफ्ट हुए और 1911 में जो पेपर आया उसने तो एकदम बहुत ही जबरदस्त मचा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को ये बहुत ज्यादा मानते थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, मैंने उनकी भी बायोग्राफी का रिव्यू किया है, सबकी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, देखिएगा, उनको भी मानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी काफी हद तक मानना यही था, ठीक है, कि ह्यूमैनिटी, जितने भी महान महान लोग आए उन सबका एक ही मानना होता है कि भैया इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। आज जब मैं ये चीज देखता हूं तो पूरी दुनिया में ये कहीं है ही नहीं, हम क्या होते जा रहे हैं भैया। भारत में आज इस तरह से लोगों को बहकाया जा रहा है कि लिंचिंग्स हो रही हैं। मुझे अभी मैंने एक न्यूज चैनल और एक जगह पढ़ा कि एक इंसान को पास नहीं मिला, गाड़ी वो लेके जा रहा था, टेम्पो से पास नहीं मिला, हल्की सी कहा सुनी हुई, 200 लोग आए उसको मार के चले गए। और हम क्या होते जा रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, हमको खुद भी पता है। एग्जैक्ट यही इंटरप्रिटेशन था कलयुग का, कि वही लोग जिंदा बचेंगे जो इंसानियत को पूजेंगे, जो भगवान के पास रहेंगे, जिनके अच्छे कर्म रहेंगे। निश्चित ही अच्छे लोगों के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल होगा, इंसान इंसान को मारेगा, इंसान इंसान को खा जाएगा, सब कुछ इंटरप्रेट किया है। अरे दोस्तों हम क्या करते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास कोई हल्का सा भी भटका है तो उसको सही रास्ते पे लेके आए, बुक्स दें अच्छी अच्छी, क्योंकि याद रखिएगा अगर हम एक साथ नहीं जिएंगे तो एक साथ मर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको ये समझनी होगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है और भारत तो हमेशा ही से ही एक सेक्युलर राज रहा है, एग्जाम्पल रहा है, और हम हमेशा से ही उसको एग्जाम्पल सेट करने का वक्त है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उन पे बिल्कुल उनको इन पे विश्वास मत करिए, अपनी अपना ध्यान लगाइए, अपने सोच पे, आप अपने जो मन है उस पे भरोसा करिए, पढ़िए, ज्ञान अर्जित करिए और नफरत से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। वैसे अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई अच्छे लोग होना चाहिए, ठीक है, जो माइनॉरिटी में उनको भी अच्छा बनना चाहिए। 1921 में वो मॉरल साइंस के प्रोफेसर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में उनको अपॉइंट किया गया और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, एक ब्रिटिश एम्पायर की एक पूरी कांग्रेस हुई थी फिलोसफी की, वहां पे भी गए 1926 में। और वहां जब गए तो सब जितने भी लोग आए थे वहां पे फॉरेन से, सब इनके मुरीद हो गए, हर कोई आया, हाथ मिलाया, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स दिए और उसके बाद फिर वहीं से एक अलग ही चैप्टर स्टार्ट हो गया। 1929 में फिर ये चले गए इंग्लैंड, वहां पे भी इनका इंग्लैंड जाने का भी एक ही मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव ये था कि वहां पे भी जाके मैं इस हिंदुइज्म को, जो जिसके बारे में बहुत अलग अलग धारणा है, इसको डिफेंड करूंगा, टीचिंग्स इसकी स्प्रेड करने वाला हूं। बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी, बहुत सारे इन्होंने पेपर्स पब्लिश किए इसको लेकर, जिससे इंग्लैंड के लोग काफी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्ट वर्ल्ड है, वेस्ट वर्ल्ड तो हमेशा ही इन सारी चीजों से खुश होता है, हम ही जो है जो एकदम भागते जा रहे हैं, ठीक है। अब कल्चर का मतलब ये नहीं है कि हिंदुइज्म को तोड़ मड़ोड़ के पेश करके उल्टी सीधी बातें फैला के, जो रियल हिंदुइज्म है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या है कि जॉर्ज फाइव ने इनकी इतनी बेहतरीन जब सर्विस देखी तो इन्होंने उनको नाइट ऑफ द ऑर्डरहुड देने की बात कही। सर का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि उसके, क्योंकि बात उसके आगे सर लग जाता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो मुझे डॉक्टर की उपाधि भारत से मिली है ना, मैं वही यूज करने वाला हूं और कुछ भी नहीं यूज करने वाला हूं। पूरे इंग्लैंड में इन्होंने लेक्चर दिए, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने लेक्चर दिए, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने लेक्चर दिया। राम अनुजम, गजब के मैथमेटिशियन,
भारत की शान, जब जा रहे थे ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1914 में इनके पैर छूके इनका आशीर्वाद लेके गए थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया अपने स्टूडेंट्स के लिए तो ये भगवान थे। उसके बाद फिर ये वापस लौटे, 1931 में इनको वाइस चांसलर बनाया गया। ठीक है, वोल्टेयर कॉलेज आंध्र प्रदेश में जो है वहां पे इन्होंने आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी का ये पूरा ये वीसी रहे। उसके बाद फिर 1939 में भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एक समय पे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, अभी भी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ गई है, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, इसके भी वाइस चांसलर रहे। मदन मोहन मालवीय, इनकी बायोग्राफी भी मैं लेके आऊंगा, कमाल के इंसान। मदन मोहन मालवीय ने इनको बुलाया, इनवाइट किया, और तुरंत एस राधाकृष्णन ने हंसते हंसते वाइस चांसलर की पोजीशन एक्सेप्ट कर ली। 1948 तक ये रहे। उसके बाद इसी बीच जो था, वैसे मैं ये अपने बहुत सारे लेक्चर्स में देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से इंडिया की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, वैसे तो मैंने काफी लेक्चर्स में कवर किए, तो मैंने एक पार्टीशन ऑफ इंडिया करके लेक्चर लिया था, उसके दो पार्ट्स हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी और उस समय क्या हो रहा था 1950 तक, 1905 से लेकर 1950 तक, ये पूरा मैंने समझाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो राधाकृष्णन जो था वो, उनका जो अगर पॉलिटिक्स में करियर की बात करें तो बहुत ही लेट था। जैसा कि मैंने बताया कि वो कभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे, वो नॉन कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस के बहुत एक्टिव लीडर नहीं थे, उन्होंने कोई बहुत बड़े मूवमेंट्स में भाग नहीं लिया, वो जेल नहीं गए, लेकिन उनका जो मोटिव था वो सफल हो गया। वो यही दिखाना चाहते थे पूरे वेस्ट वर्ल्ड को कि हम में कितनी ज्यादा ताकत है, और ये मोटिव जो था उनका सफल हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने जब देखा कि इतनी ज्यादा पोटेंशियल है इनमें, घसीट के इनको लेके आए और बोला कि आपको तो यहां पे रहना ही है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत सारी चीजें हुई थी 1946 में, ठीक है, वो पूरा चला। उसके बाद फिर कानून बनाने की प्रक्रिया चली, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनी, और अल्टीमेटली जब कानून बना तब भैया राधा कृष्णन को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। बहुत ही ज्यादा सब खुश हुए थे, और वाइस प्रेसिडेंट मतलब फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी यही थे। कमाल कर दिया इन्होंने, रिफॉर्म्स लाके सबको, पूरे देश को इन्होंने यूनाइट किया था, ठीक है, और खरे उतरे थे सबकी उम्मीदों पे। यूनेस्को भी भेजा गया था, ये रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू ने इनको काफी टफ टास्क दिए थे, ये बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट थे। यूनेस्को जब ये गए थे तो आपको पता है जोसेफ स्टालिन का उस समय राज था, खूंखार हत्यारा जोसेफ स्टालिन, इनकी बायोग्राफी का रिव्यू है। अब क्या था, इसको सब कोई मॉन्स्टर समझता था। जोसेफ स्टालिन ने जब राधा कृष्णन से मुलाकात की, इनके साथ बैठे, इनके साथ मिले, जब ये वापस आ रहे थे भारत के लिए, क्योंकि वापस तो आना ही था, भारत बन रहा था जस्ट 1947, 15 अगस्त को एक नए भारत का जन्म हो गया था, छोटा सा तो उस समय भारत, सबको बनाने की जरूरत थी, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को वापस बुलाया। जोसेफ स्टालिन का ये स्टेटमेंट था कि हर कोई मुझे शैतान समझता है, आपने मुझे इंसान समझा, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, और हमेशा यही दुआ करूंगा कि आप बहुत ज्यादा खुश रहे। जोसेफ स्टालिन इनका मुरीद हो गया था, इतना ऐसा इनका कुछ व्यक्तित्व था, ठीक है। तो राधा कृष्णन को जोसेफ स्टालिन का स्टेटमेंट था, और काफी ज्यादा इनको एक्लेम मिला था इंटरनेशनली, काफी जगह भेजा गया था, काफी मिशंस पे थे ये, जवाहरलाल नेहरू ने इनको भेजा था, ठीक है। तो ये चीज थी, और उसके बाद फिर यूएसएसआर, जैसा कि मैंने बताया यूएसएसआर वो गए थे बेसिकली, और फिर यूनेस्को में भी एज अ एम्बेसडर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत बड़े मेंबर के तौर पे ये इलेक्ट हुए थे। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी जो चीज, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इनका चुनाव हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, देखिए डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दोनों का स्टेचर इक्वल है। राजेंद्र प्रसाद की यहां पे थोड़ी ज्यादा मैं प्रशंसा इसलिए करूंगा क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से आते थे और इन्होंने गजब तरीके से चीजों को सही कर दिया और बहुत ही गजब एकेडमिशियन थे। तो राजेंद्र प्रसाद की भी मैं बहुत ही जल्द बात करूंगा, इनकी भी बायोग्राफी लेके आऊंगा, और दोनों ही साथ साथ चलते थे, बहुत ही ज्यादा डियरेस्ट फ्रेंड भी थे ये राजेंद्र प्रसाद के। राधा कृष्णन उस समय फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने दो टर्म निभाया, 1952 से लेकर 62 तक दो टर्म इनका था, और उसके बाद ये फिर प्रेसिडेंट बने भारत के। भारत के जब प्रेसिडेंट बने थे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स को इंडिया खो चुकी थी।
एस राधाकृष्णन ने बिल्कुल अच्छे से इसका दायित्व निभाया और एकदम स्मूथ ट्रांजिशन किया, ठीक है, कुछ भी ज्यादा इफेक्ट ना आए देश पे, ठीक है। तो ये चीज थी और बहुत ज्यादा इन्होंने किया। नेहरू जो थे वो स्टेटमैनशिप को रिप्रेजेंट करते थे, गांधी जी लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, एस राधाकृष्णन इंटेलेक्चुअलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये बहुत जबरदस्त बात थी। पॉलिटिशियन इन द शैडो थे, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, कोई स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इनके आइडियाज ने क्रांति ला दी थी, ठीक है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं अपने सारे लेक्चर में, प्राइड ऑफ हिंदू कल्चर एंड डिफेंस ऑफ हिंदू अगेंस्ट यूनिफॉर्म वेस्टर्न। देखिए एक चीज और बताता हूं कि इनको क्रिटिसिज्म भी काफी झेलना पड़ा था। इस वजह से काफी ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं ने इनको बहुत बोला था कि आप बहुत वेस्टर्न है, वेस्टर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। टीचर्स डे की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जब, अच्छा, एज अ प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट बने तो इनको 10,000 रुपए मिलते थे और 10,000 में खाली वो 2,500 उन्होंने एक्सेप्ट किया और बाकी सारे के सारे जब तक प्रेसिडेंट थे हर महीने ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दे देते थे। इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी एकत्रित नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ दान में दे देते थे। बहुत ही बेहतरीन ये बात थी। एक सोशल वर्कर, गांधी जी ने कहा था कि जो सोशल वर्कर होता है वो अपने लिए कभी भी कोई वेल्थ नहीं जुटाता है। गांधी जी को लाखों लाखों का चंदा आता था लेकिन वो उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि जब इनका बर्थडे था तो काफी स्टूडेंट्स आए इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे मत बनाओ, अगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर ये टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। तब से ये इनका जो बर्थडे है वो टीचर्स डे के रूप में बनने लगा। अनुभव की बात करें तो ये इस पर बहुत ज्यादा ये एम्फेसिस करते थे कि इंसान अपने अनुभव से सीखता है और उनकी कोर नॉलेज का जो ये हिस्सा था इसमें काफी था कि आप किस तरह से आपके सेंसेस एक्सपीरियंस करते हैं। इंट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अंतर्मन, उसके बाद फिर कि आपका भक्ति में कैसा एक्सपीरियंस है, रिलीजियसली कैसा एक्सपीरियंस है, एथिक्स में आप क्या सीखते हैं, अच्छी बातें सीखिए। 5 एक्सपीरियंस की उन्होंने बात की है, किसी दिन हम और बात करेंगे, लेक्चर को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और भारत रत्न इनको 1954 में मिला था, उस समय जस्ट स्टार्ट हुआ था, भैया सी राजगोपालचारी पहले थे, ये 1954 में इनको मिला था। और उसके बाद इनको 16 बार नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए और 11 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड था, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। एस राधाकृष्णन एक बेहतरीन पर्सनालिटी, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। ट्रिब्यूट दीजिए इस लेक्चर को शेयर करके। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।